हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो आपको क्या बताने वाला हूँ, अपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया। तो गाइस, जो आपने शुरुआत में यहाँ पर वीडियो देखी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, एंड आप उस टाइप के रील्स बना के रील्स पर अपलोड करते हो तो आपके अच्छे खासे व्यूज़ आ सकते हैं एंड आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है। तो गाइस, यहाँ पर आपने करना, सबसे पहले आपने वी एन ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वी एन ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये ऐप जो ओपन हो रहा है, तो गाइस हमारा ऐप जो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग इस टाइप से। अब दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे आपको एक प्लस वाला आइकन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। ऊपर आपको न्यू प्रोजेक्ट दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों आपने एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी वीडियो पर आप इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हो वैसी वीडियो को आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो फटाफट से मैं उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। ठीक है, तो गाइस इस टाइप से मैंने एक बाइक की वीडियो ले ली, देख सकते हैं आप लोग। आप अपनी वीडियो भी ले सकते हो, आप अपनी जो रील्स होती है, रील्स बना, कोई पुरानी आपकी रील्स पड़ी है तो वो रील्स उठा के या इस तरीके की वीडियो बना सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके की एक वीडियो बना ली है। और यहाँ पे ये जो पार्ट ब्लैक सा पार्ट आता है लास्ट में, इसको डिलीट कर देना। और ऊपर आपने आना 9060 रेशियो सेलेक्ट कर लेना यहाँ से। और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे आपको क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, क्रॉप पे क्लिक करना है, 9060 रेशियो सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, इतना हो गया। इतना दूसरा करने का, अब यहाँ पे करना, ये जो वीडियो है इसका म्यूज़िक भी होगा, इसका म्यूज़िक ऑफ कर देना पूरा यहाँ से। तो म्यूज़िक मैंने पूरा ऑफ कर दिया। ऊपर आपने यहाँ पे म्यूज़िक ऑप्शन की जगह आपको इस पर क्लिक कर देना है, नीचे म्यूज़िक पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में मैं वीडियो डाल दूँगा, उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना, ये रही वीडियो। फिर जैसे आप ओके चैनल पर क्लिक कर दोगे, इसका वीडियो का जो म्यूज़िक होता है वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर फर्स्ट में आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ चुका है। फिर चूज़ वाला पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे नीचे तो आपको म्यूज़िक बीट्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कुछ बीट ऐड करनी पड़ेगी आपने, देन बीट कहाँ कहाँ पे ऐड करनी है मैं आपको बताता हूँ। तो म्यूज़िक बीट्स पे क्लिक करनी है सबसे पहले दोस्तों। ये जो बीट है ये आपने कहाँ पे लगानी है, इस पर क्लिक करके आप बीट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, 1.05 सेकंड पे आपने ला के रोक लेना। इस तरीके से आप यहाँ पे मूव कर सकते हो, तो इतने सेकंड पे ला के रोकना, 1.05 सेकंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फिर इस पर टाइप कर देना, आपकी बीट ऐड हो जाएगी पहली बारी। ठीक है, फिर दूसरी वाली जो बीट है दोस्तों वो यहाँ पे ऐड करनी है 1.97 सेकंड पे। ठीक है, और ये तीसरी वाली बीट है वो 2.25 सेकंड पे। ठीक है, और जो फोर्थ वाली है वो है 2.51 सेकंड पे। और जो फाइव वाली बीट है वो है 2.90 सेकंड पे। और जो सिक्स वाली बीट है वो है 3.15 सेकंड पे। जो सेवन वाली बीट है वो है 3.44 सेकंड पे। ठीक है, जो एट वाली बीट है वो है 3.71 सेकंड पे। जो नाइन वाली बीट है वो है 4.08 सेकंड पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से अपने बीट को ऐड कर देना है। देन दोस्तों बीट ऐड करने के बाद इस वाले निशान पे क्लिक कर देना, चेक वाले निशान पे, तो यहाँ पे जो बीट है ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हो चुकी है। तो इतना दोस्तों करने के बाद अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने देखना है जहाँ तक आपका म्यूज़िक है, ये देख सकते हैं यहाँ तक हमारा म्यूज़िक है, तो यहीं तक अपनी वीडियो को रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, ये एक्स्ट्रा पार्ट इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपने क्या करना है, दोनों फिंगर से उसको जूम कर लेना है। और जहाँ जहाँ पे देखिए ये जो बीट दिख रही है, ये कट दिख रहा है इसके नीचे, इसके डायरेक्ट नीचे आपने यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक कर देना। ठीक है, कट लग गया इसके नीचे। ठीक है ना, उसका दूसरा जो है इस पर, इसके सामने नीचे कट स्प्लिट पे क्लिक करना है। इस तरीके से जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सब पे, यहाँ पे सबके नीचे जो है कट लगा देना सामने सामने। ठीक है, जैसे मैं आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपने लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे कट लगा लिए हैं इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपने भी लगा लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने करना है ये जो पहले वाला था इसको, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा उसको जूम कर लेना। ठीक है, इस तरीके से इसको जूम कर लेना यहाँ तक इस तरीके से। और ये इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अपने आप जूम आउट हो जाएगा ये। उसका फिर से इस पर क्लिक करना है यहाँ पर, और थोड़ा थोड़ा सा उसको जूम कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर दोनों फिंगर से इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से इसको जूम करके रखना थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है ना, ताकि थोड़ा अच्छा सा लग जाए। तो ये इस तरीके से हो चुका है। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे कुछ थोड़ा मैंने जूम कर दिया इस टाइप से, इसको कुछ नहीं करना है। फिर से इसको जूम कर देना थोड़ा सा, इतना सा। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा जूम कर देना, थोड़ा ज़्यादा ही कर लेना इस टाइप से। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, फिर इस पर कर देना, थोड़ा इसको जूम कर देना इस टाइप से। तो यहाँ पर हो चुका है, और इसको ऐसे रहने देना। ठीक है, इस टाइप से आपने जूम आउट जूम इन ऐसे करते रहना है। एंड दोस्तों उतना करने के बाद अब क्या करना है, आपने यहाँ पे, यहाँ पे आपने सबसे पहले वाले इस, यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है, ये वाली इस पर। ठीक है, तीसरी वाली फ़ोटो पे। ठीक है, ये वन टू, तीसरे वाले कट पे क्लिक करना है और एफ एक्स पे आना है। और यहाँ पे एफ एक्स कौन सा लगाना है आपने, जीटल वाला। ठीक है, जीटल वाले को लगा देना है पूरा। ठीक है, और यहाँ से आपने अप्लाई टू ऑल कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जितनी भी यहाँ पे कट होंगे सब में ऑटोमेटिक लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से।
यहाँ पे हमारी जो वीडियो बन के कम्प्लीट हो चुकी है, एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ कैसे हमारी वीडियो बन के आई है, ठीक है। तो गाइस इस टाइप की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। एंड इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट करना बहुत आसान है। ऊपर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपकी एक्सपोर्टिंग होगी वो शुरू हो जाएगी, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा वेट करना, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, जाके मुझे फटाक से फॉलो कर लीजिएगा और जितने भी मटेरियल मैंने वीडियो में यूज़ करें हैं सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो सेव टू एल्बम पे क्लिक कर देना, आपकी वीडियो सेव हो जाएगी, ठीक है, आपकी गैलरी में। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।